नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस पे। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या दिया था, न्यूमेरिकल, दो तीन न्यूमेरिकल बताए थे जो बेसिक थे और बहुत ही इजी थे और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा आपका जहाँ तक मुझे लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ये कुछ इस तरीके से बना है, इसका फिगर बना है ऐसे और बोला क्या है, पी व क्यू के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करें। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या होता है इसमें, अब इसमें लगता क्या है लोगों को कि ये किस किस सीरीज़ में है ये पता ही नहीं चलता है, पैरेलल में है कि श्रेणी क्रम में है कि समांतर में, समझ में ही नहीं आता है लोगों को। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे समझेंगे। देखिए ये हमारा एक सी वन है दोस्तों, ये सी टू है, ये सी थ्री है। देखिए हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, ये सी वन की पहली प्लेट है, सी वन की पहली प्लेट किससे जुड़ी है, पी से जुड़ी है, ठीक ध्यान दीजिएगा। ये सी टू की पहली दूसरी प्लेट है, सी टू की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है दोस्तों, सी टू की दूसरी प्लेट भी पी से जुड़ी है। ये देखिए यही तो वायर आ रहा है, यही वायर आ रहा है ना, और सी वन की पहली प्लेट भी पी से जुड़ी है, सी टू की पहली प्लेट भी पी से जुड़ी है, और सी थ्री की पहली प्लेट किससे जुड़ी है दोस्तों, ये भी तो इसी से जुड़ी है। ध्यान से देखिए, ये भी तो ऐसे जाके इसी वायर से जुड़ रही है। और अब फिर से देखिए, अब सी वन की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, क्यू से, ये क्यू, ये वायर आ रहा है ऐसे, ये क्यू ऐसे आ रहा है, ठीक। तो सी वन की पहली प्लेट की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, क्यू से जुड़ी है। और देखिए सी टू की पहली प्लेट किससे जुड़ी है, ये भी क्यू से जुड़ी है क्योंकि ये वायर फिर यहीं से जा रहा है। और देखिए यहाँ पे सी थ्री की दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, ये भी क्यू से जुड़ी है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा दोस्तों, देखिए ये पी हमारा हो गया, यही तो है तीन संधारित्र हमारे इसी तरीके से जुड़े हुए हैं पी और क्यू के बीच में। तो इनकी जब तुल्य धारिता पूछा है तो सिंपल सा आप जानते हैं कि क्या होता है, ये सी वन है, ये सी टू है अपना और ये सी थ्री है। तुल्य धारिता तो जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि सी टोटल क्या आएगा अपना, क्योंकि ये समांतर क्रम में तीनों, सी टोटल आ जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। इसमें कन्फ्यूजन होता है जनरली क्या कि ये सीरीज़ समझ में नहीं आती है कि कौन सी है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ये आपके लिए लेकर आया था। तो सीरीज़ आपको अब कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा कि कौन सी सीरीज किस सीरीज में रहता है, इसका सी टोटल आ गया सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर टू है अपना, ए व बी के बीच में क्या निकालना है, अपने को तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, ये अपना ए है पॉइंट, ये अपना एक माइक्रोफेरेड है यहाँ पे, ये अपना सी थ्री कितना है, एक माइक्रोफेरेड है, सी टू कितना है, ये एक माइक्रोफेरेड, ये भी एक माइक्रोफेरेड। ठीक है दोस्तों, देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है। आप देख रहे होंगे कि ए और डी के बीच में दो जुड़े हैं, ए और डी के बीच में दो जुड़े हैं ना दोस्तों, देखिए तो ए और डी के बीच में जुड़े हैं, तो कुछ इस प्रकार से नहीं जुड़े हैं क्या, देखिए आप अच्छे से, ये हमारा कुछ ऐसे नहीं जुड़ा है क्या, ये हमारा पॉइंट ए है, ये डी है, बस इस वायर को उसने इस तरीके से नहीं मोड़ के किसी और तरीके से मोड़ दिया है। ये हमारा एक माइक्रोफेरेड था और ये हमारा कितना था, ये भी एक माइक्रोफेरेड था। तो इनका सी टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका सी टोटल कितना आ गया, इसका मैं सी टोटल निकाल रहा हूँ, सी डैश टोटल कर लीजिए इसको, सी डैश टोटल कितना आ गया अपना, वन प्लस वन आ गया, यानी कि टू माइक्रो फेरेड आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोला है, अब जब ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये दोनों अपने के रह जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे और इन दोनों इस ये सर्किट तो पूरा खत्म, अपना ये सर्किट खत्म हो गया, तो एक एक संधारित्र बन गया, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये अपना बी है दोस्तों, ये ए है, ये डी पॉइंट तो खत्म ही हो गया एकदम, ये डी पॉइंट यहाँ पे था जो कि खत्म हो चुका है। तो अपना इसका कितना आ गया, ये दो माइक्रोफेरेड आ गया और ये दे रखा है अपने को एक माइक्रोफेरेड और ये दे रखा है दो माइक्रोफेरेड। तो अब देखिए इन इनका जो आएगा, इनका जो तुल्य धारिता आएगा वो कितना आएगा, दो एक तीन आ जाएगा, तीन जब आ गया दोस्तों तो फिर से ये देखिए किस में आ गया, ये दोनों मिल अब पैरेलल में आ गए, ठीक, ये हमारा दो माइक्रोफेरेड है और ये अपना दो और एक तीन हो गया, तीन माइक्रोफेरेड। ठीक है दोस्तों, ये ए है बी है, अब इनका तुल्य क्या आ जाएगा, तुल्य इनका आ जाएगा देखिए,
तुल्य अपना जब निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया ये, और ये 1/3 हो गया। इसका मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का। तो ये 1/1/c आ गया अपना, कितना आ गया 1/c, कितना आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखिए कितना आएगा। ये 6 हो गया अपना एलसीएम इसका, और ये 2 3 6 हो गया, और ये 5 हो गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 5/6 आ गया 1/c। तो c कितना आ गया, c आ गया अपना 6/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया कैसे, देखिए फिर से आप समझिए। ये दोनों थे हमारे, इन दोनों को पहले हमने देखा कि ये किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनको हमने जो ऐड कर दिया तो सी टोटल इनका 2 माइक्रोफेराड आ गया। अब इस सीरीज को हमने ऐसे बना लिया, इस सर्किट को हमने ऐसे बना लिया, इस सर्किट को ऐसे बनाया, तो 2 माइक्रोफेराड ये था और ये अपने बचे थे 2, तो 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड ये बचे थे। तो ये दोनों तो अपने समांतर में है ना दोस्तों, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो फिर से हमने इसको ऐसे बना लिया, 2 और 3 बचे, 2 और 3 बचे, तो इनको हमने जो श्रेणी क्रम में जैसे जोड़ते हैं 1/c करके, 1/c = 1/c1 + 1/c2 ऐसे करके हमने इनको जोड़ दिया, तो हमारा सी तुल्य क्या आ गया, तुल्य धारिता क्या आ गई, 6/5। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि 1 माइक्रोफेराड ये दिया है, 2 माइक्रोफेराड ये दिया है, 3 माइक्रोफेराड ये दिया है। फिर से वही काम करना है, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही जैसे क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। दोस्तों ये बेसिक है, अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का सॉल्व करने में। तो मैं इसलिए आपको ये लेकर आ रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस बने और आप जल्दी जल्दी इसका, मुझे तो लगता होगा कितने लोगों ने इसको अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आंसर भी उनका आ गया होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे आएगा। ये अपना किस में है, ये दोनों जानते हैं आप किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे जुड़ता है, सी टोटल कितना आता है, 1+2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा सी टोटल। ठीक है दोस्तों, 1+2 आएगा, देखिए करके दिखा देता हूँ, 1+2 यानी कि 3 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे बन जाएगा सर्किट, ये अपना एक बच गया, ये दोनों मिलके एक हो गए, और ये एक तो है ही पहले से, ये हमारा पॉइंट बी है दोस्तों, ये ए है। ठीक, ये कितना हो गया हमारा, ये 3 माइक्रोफेराड हो गया, और ये कितना हो गया अपना, ये भी 3 माइक्रोफेराड हो गया। आप दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ देंगे, 1/c टोटल, 1/c टोटल कितना आ जाएगा, 1/3 + 1/3, तो 1/c टोटल कितना आ गया अपना, ये 3 LCM हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1/c टोटल आ गया 2/3 आ गया, तो सी टोटल अपना कितना आ गया, 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया, यानी 3/2 का मतलब है 1.5 माइक्रो फैराड। ठीक है, बहुत इजी था। तो देखा आपने कैसे आसानी से मैंने इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको बताया, तीनों ही बेसिक थे। आप या ऐसे ही ढेर सारे आपको क्वेश्चन जो भी आप बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें दिए होंगे और NCERT की बुक्स में भी दिए होंगे, तो आप उसको सॉल्व करिए और देखिए कि आपके आंसर्स कितनी आसानी से आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और एक दो न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा, 2-3, जो कि इनसे थोड़े हटकर होंगे, तो उनको भी देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रहा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए कि उन लोगों को बेनिफिट मिले जो जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। ठीक है, धन्यवाद।